हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे सवेरे के 8 और हम लोग जा रहे हैं तखत कासा ऐतिहासिक मंदिर, जो कि 50% लोग नहीं जानते काशी पास का मंदिर। तो चलते हैं मंदिर में देखते। तो हाय गाइस, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे में जो मंदिर है तखतपुर काश मंदिर, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको तखतपुर के 50% लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं। गाइस, हमारे पास महाराज जी आ चुके हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? ऋषि कुमार शर्मा। ऋषि कुमार शर्मा इनका नाम है और इनसे मंदिर की पूरी डिटेल ले चुके हैं। तो बताइएगा महाराज जी कुछ। इस मंदिर का निर्माण जो है 2003 में ताम्रकार ज्वेलर्स श्रीमान भैयालाल ताम्रकार द्वारा निर्माण कराया गया है और इस मंदिर जो है पूरी वास्तुशास्त्र के जरिए ही निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम जो है अष्टविनायक गणेश जी का मंदिर आपको दर्शन करने को मिलेगा। इस मंदिर में कल्याण के अंतर्गत देखा गया कि अष्टविनायक गणेश जी का मंदिर जो है बहुत ही शुभ होता है, इसलिए अष्टविनायक गणेश जी का मंदिर मिला बनाया गया। उसके उपरांत ये महालक्ष्मी नारायण सप्तदेवालय परिसर है, इसमें दत्तात्रेय मंदिर का निर्माण भी किया गया है। यहाँ आसपास में कहीं भी आपको दत्तात्रेय भगवान का मंदिर का दर्शन करने को लिए नहीं मिलेगा। उसके उपरांत तीसरे मंदिर जो है माँ सरस्वती का है, उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। माँ सरस्वती मंदिर जो है बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर कांच के द्वारा बनाया गया है। एक मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर जाकर के देखोगे तो उस गर्भगृह के अंदर अनेक मूर्तियां दर्शन होंगे। माँ की मूर्ति जो है एक ही है, परंतु उनका प्रतिबिंब जो है बहुत ही अलौकिक है। उसके उपरांत लक्ष्मी नारायण सप्तदेवालय परिसर मंदिर जो है बहुत ही भव्य मंदिर है, उसमें भी शीशा लगा हुआ है और शीशा में आप गिनती नहीं लगा पाएंगे कि आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपका नजर जो है जितना दूर तक जाएगा, क्योंकि मूर्ति दो ही है परंतु असंख्य दिखाई देते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर भी वैसे ही कांच के द्वारा निर्माण किया गया है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की मंदिर जो है बहुत ही भव्य है, दो मूर्तियां हैं, एक लिंग है और एक साक्षात स्वरूप वाला है। उसके बाद दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। उसके बाद नवग्रह का मंदिर, अभी आसपास में देखोगे तो नवग्रह का मंदिर आपको नहीं मिलेगा, शनिदेव का मंदिर तो बहुत मिलेंगे परंतु नवग्रह का मंदिर अभी आसपास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार इस मंदिर के अंतर्गत 33 मंदिर और बनाया गया है, कुल मिलाकर के हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं के स्थान के लिए यह मंदिर डॉक्टर भैयालाल ताम्रकार द्वारा निर्माण कराया गया है और मैं चाहता हूं आने वाले भविष्य में सभी की मनोकामनाओं को भगवान जो है वो पूरा करे। तीसरी तो गाइस, इस मंदिर की पूरी डिटेल आपको पता चल ही चुकी होगी कि ये मंदिर कितना ऐतिहासिक और प्रसिद्ध है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि तखतपुर के 50% लोगों को नहीं पता कि ये मंदिर यहाँ पे है करके, कांच का मंदिर है करके। तो चलिए, अब दर्शन तो हो चुके हैं तो चलिए चलते हैं। नहीं कर सकते, होप करते गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, उसे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं। महाराज जी का भी इस नाम ऋषि कुमार जी है, जो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो में जो हमारा साथ दिए। तो चलते हैं घर की ओर, तब तक के लिए बाय बाय।